हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग है वो है सस्पेंस का, क्योंकि जो है नाइट विजन में है, नाइट में विजिट है मेरी। एक्चुअली जो है डेली मेरा प्लान बना, जो है विजिट करूँगा जो है इंडिया गेट पे नाइट के टाइम पे। और आज जैसे कि आपको पता है कि छोटी दिवाली है, तो सब लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली को। और मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा ज़रा कुछ क्राउड डिफरेंट होगा, तो इसी वजह से मैं जो भी जा रहा हूँ गाइस इंडिया गेट की तरफ। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे क्राउड किस तरह का क्राउड आज जो है अवेलेबल है, और लोग किस तरह का इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मीन्स जो है वो आतिशबाजी तो यहाँ पर अलाउड नहीं है और होगी भी नहीं, लेकिन हर मज़हब के लोग और हर धर्म के लोग जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि गाइस आपको पता है आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो वीकेंड में भी जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्राउड होता है, वो भी नाइट टाइम पे। तो ये आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट जो है बहुत ही खूबसूरत जो है गोल्डन कलर में, कलरिंग लाइट भी जो है आप भी लगाइए यहाँ पर, वो भी मौजूदा जो है गवर्नमेंट मोदी सरकार की बदौलत ही है शायद, ये सब चीज़ें होती नहीं थी यहाँ पर। तो ये गोल्डन कलर का जो है इंडिया गेट लाइट चेंज हो रही है ट्री कलर में, जो है वो अभी जो है वो सडनली चेंज हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता हुआ। क्राउड की बात करूँ तो आज जो है वो क्राउड इतना नहीं है यहाँ पे जितना पहले होता था, लेकिन फिर भी जितना भी है वो भी काफ़ी है। तो गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे दाएँ बाएँ और साइड की तरफ सारा विजिट कराऊँगा मैं आपको। तो प्लीज़ बनी रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और जब भी कभी आप विजिट करने आओ यहाँ पे दिल्ली NCR में, तो इंडिया गेट में तो बनता है, अगर इंडिया गेट में तो बनता है विजिट करना, तो आप जो है और नेशनल वॉर मेमोरियम में भी जो है ज़रूर विजिट करिएगा। सम्मान है सैनिकों के लिए, जो हमारे लिए और हमारी हिफाजत के लिए जो है सरहदों पर तैनात हैं। दिवाली हो या होली हो, उनका है हॉलीडे हो या ना हो, लेकिन वो फिर भी जो है हमारी हिफाजत के लिए बेचारे तैनात होते हैं। हमारे रियल हीरो एक्चुअल में वो है हमारे जो एक्टर्स हैं, हम उनके फ़ैन बन जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपने रियल हीरो का फ़ैन हूँ। वो किसी भी रेजिमेंट का हो, वो किसी भी रेजिमेंट का जवान हो, वो मेरे लिए जो है वो मायने रखता है कि हिफाजत के लिए मैं जो है काम ना कर सकता हूँ, और मैं काम ना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ये ट्री कलर आपको गाइस पीछे भी दिख रहा होगा, और ये फुवारा है, फुवारा जो है इंडिया गेट के पास में ही है ये, और ये ट्री कलर में जो है वो रंगा हुआ है, अभी काफ़ी खूबसूरत से दिख रहा है। और ये एक बार मैं आपको पास से दिखा देता हूँ इसको, ये इंडिया गेट के जस्ट दाएं और बाएं दोनों तरफ है। अगर आप कभी प्लान बना रहे हो विजिट करने का दिल्ली की तरफ, और अगर आप इंडिया गेट में आना चाहो, तो आप नाइट के टाइम पे जो है वो ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि नाइट के टाइम पे यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट एक्टिविटी आपको मिलेंगी, डिफरेंट इन द सेंस आपको जो है लेज़र लाइटिंग आपको मिल जाएगी, और इंडिया गेट का लुभावना जो क्राउड होता है वो इवनिंग टाइम पर ही होता है, वो डे में उतना नहीं क्राउड होता जितना कि इवनिंग में होता है, क्योंकि जो है वर्किंग गाइस जितने भी होते हैं वो सब विजिट करते हैं यहाँ पे नाइट के टाइम पे। अलग ही लुभावना, एक खुलापन दिखता है। ये भी है क्योंकि जो है लोगों का जितना भी एरिया है दिल्ली का, वो काफ़ी मन है रेजिडेंस में, लाइक अगर वो फ्लैट में रहता होगा तो वो फ्लैट में ही कैद है, एक तरह से कैद है। थोड़ा खुलापन जो दिखता है वो इधर की तरफ ही दिखता है, क्राउड ज़्यादा होता है यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे। दूसरा रीज़न ये है कि जितने भी वर्किंग है उनका जो है वो जो लॉग आउट है वो हो जाता है इवनिंग में 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, तो वो सारा क्राउड जो है रिफ्रेश होने के लिए, खासकर रिफ्रेश होने के लिए जो है इधर विजिट करता है और इंजॉय भी करता है साथ में फैमिली। आप जो है फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, एक खुलापन जो है बच्चों के लिए भी, एक थोड़ा ज़रा एक अलग सा डिफरेंट टाइप का, एक खून के लिए भी रिफ्रेश हो जाता है। सैनिकों की मैं बात कर रहा था गाइस, तो ये जो दो जवान आपको दिख रहे हैं ये सिख रेजिमेंट के जवान, नाइट में भी तैनात है, तैनाती इनकी
जो है वो हर समय अवेलेबल मिलेगी आपको। नहीं है कि ये माउस हो, ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं यहाँ पे जो है वो। अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करो सेल्फ़ी के लिए तो ये कभी भी जो है वो डिनाई नहीं करते। और मैं जब भी विजिट करता हूँ तो मैं इनके साथ ज़रूर जो है वो एक सेल्फ़ी ज़रूर कैप्चर करता हूँ, ताकि एक बार मैं एक एक्टर के पीछे जो है वो दौड़ते हुए चला गया कि मतलब सेल्फ़ी के लिए। ऑलरेडी एक जो है सज्जन ऑलरेडी जो है एक सेल्फ़ी ले रहे थे, तो मैं वेट कर रहा था और जैसे वो जाने लगे तो मैंने कहा सर सर सर, उसका जो रिप्लाई था ना मुझे, वो आप यकीन नहीं करोगे, उसका रिप्लाई था मुझे रोटरी वर्ड में। उसने जो है मेरे को रिप्लाई किया डोंट टच मी या डोंट ऐसी कुछ कहा उसने मेरे को, डोंट फोर्स मी, इस तरह से कुछ वर्डिंग उसने की, और उसके बाद वो आगे चला गया मेरी तरफ देख रहा है। तो आगे मैं उसको जो है फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो मैंने मन बना दिया। मुझे बहुत सारे एक्टर मिले हैं अभी, लेकिन मैंने किसी के साथ भी सेल्फी लेने की जो है कोशिश भी नहीं की। ये बनावटी हैं और बनावटी रहेंगे, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुटके का ऐड कर रहे हैं पैसे के लिए, और चप्पलें बेच रहे हैं, जूते का ऐड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनका प्रोफेशनल है उसमें, छोड़ो जो भी है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्राउड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस, इस तरह की वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के वीडियो में मैं आपको जो है क्रिएट करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है वो आने का टाइम, जाने का सॉरी जाने का टाइम हो चुका है गाइस, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्राउड। जाने का एक ही वे है जो सबवे अभी क्रिएट किया है मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक्चुअली। तो ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है यहाँ पे अच्छी बना दी हैं। पहले यहाँ पे टॉयलेट नहीं होता था, अब जो है टॉयलेट की फैसिलिटी भी है। इस चीज़ों पे उन्होंने काम किया है और ये काफ़ी तारीफ़ है। ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हों तो ये सारी कैप्चर्स जो हैं उन्होंने जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है इसको वेल डेकोरेट किया है। ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि जो क्राउड होता है वो यहीं से आ भी सकता है, जा भी सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इन वीडियो में।